नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट मनी में ऐड मनी कैसे करें। और बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि सर, नए जो अपडेट आए हैं, नए अपडेट में कुछ गेटवे चेंजेज हुए हैं, तो नेक्स्ट मनी में ऐड मनी कैसे करें। तो आइए जानते हैं हम आज कि ऐड मनी कैसे कर सकते हैं आप आसान तरीके से। इससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो आइए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले आपको नेक्स्ट मनी अपने एप्लीकेशन को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये होम पेज है हमारा, और वॉलेट के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें सेंड मनी, ऐड मनी एंड रिडीम का ऑप्शन आता है। तो आप ऐड मनी पर क्लिक करेंगे। ऐड मनी पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन ओपन हो जाता है, जहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे डालना है 120 रुपीज़, मैं ऐड कर रहा हूँ समझने के लिए। ऐड मनी पे क्लिक करेंगे आप। ऐड मनी पे क्लिक करने के बाद ये तीन ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, फ्री चार्ज, ओपन गेटवे एंड पे यू मनी। तो चलिए हम पे यू मनी सेलेक्ट कर लेते हैं। आप फ्री चार्ज भी यूज कर सकते हैं। पे यू मनी पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेने लगेगा। थोड़े टाइम बाद ये ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, ये इंटरफेस आ जाएगा। वी आर इनडायरेक्टिंग, ये जो ऑप्शन आ रहा है, वी आर डायरेक्टिंग रीडायरेक्टिंग यू टू पेमेंट पेज, प्लीज़ वेट। थोड़ा सा वेट कर लें। कभी कभी नेटवर्क इशू होने के बावजूद ये आ जाता है ऐसा, ठीक है, तो थोड़ा सा आप वेट करें। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरा ऑप्शन ओपन होकर के आ गया है। कार्ड्स, ईएमआई, वॉलेट, पेटीएम पेमेंट बैंक, नेट बैंकिंग, यूपीआई। तो हमें डायरेक्टली यूपीआई से ऐड करना है, तो हम यूपीआई ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। और यूपीआई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे पूरे यूपीआई का, तो हमने यूपीआई पे क्लिक कर दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन जो यूपीआई ओपन होकर के आएगा, जिसमें गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, भीम यूपीआई, अमेजोन पे, एनी यूपीआई आईडी। आजकल व्हाट्सएप एंड फेसबुक ने भी अपना यूपीआई लॉन्च कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें फ़ोनपे से ऐड करना है। फ़ोनपे पर क्लिक करेंगे और अपना यूपीआई आईडी डालेंगे। यूपीआई आईडी डालने के बाद, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यूपीआई आईडी डाल दिया है। डालने के बाद वेरीफाई आप कर देंगे। वेरीफाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर लास्ट में वेरीफाइड का ऑप्शन आ जाएगा, नीचे आपका नाम दिखा देगा, नाम शो हो जाएगा। उसके बाद नाम शो कर देता है, उसके बाद आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फाइनली नोटिफिकेशन चला जाएगा आपके फ़ोन पे एप्लीकेशन पे। यहाँ पे टाइमर रन कर जाता है। तो दोस्तों आपको अब यहाँ पे करना क्या है, इसे मिनिमाइज़ कर देना है। मिनिमाइज़ करके आपको डायरेक्टली फ़ोन पे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पे जाना है। फ़ोन पे पर आपके नोटिफिकेशन आ गया होगा। फ़ोनपे एप्लीकेशन हमने ओपन किया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है और हमने इसे कर दिया फाइनली पेमेंट। पेमेंट करने के बाद आप सक्सेसफुल, जैसे ही मैसेज आ जाता है, आप थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद आपको बैक जाना है वहाँ पे नेक्स्ट मनी के पोर्टल पे। यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल का ऑप्शन आ चुका है और फाइनली ये पेमेंट आपके वॉलेट में क्रेडिट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आसानी तरीके से आप वॉलेट में ऐड मनी कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपको सर्विस यूज़ करना हो, लाइक एस मोबाइल रिचार्ज या अदर कोई भी सर्विसेज आपको यूज़ करना हो, बिल पेमेंट या बुकिंग, आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारा वीडियोज़ पसंद आया होगा और आपने सीखा यहाँ से ऐड मनी करने का तरीका। सो आप इस वीडियोस को अपनी टीम में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दें। सो थैंक यू दोस्तों।